हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम टैनिन शुरू करने वाले हैं। टैनिन टैनिन सबसे पहले टैनिन जो है वो एक ऑर्गेनिक होता है नेचर में। टैनिन इज ऑर्गेनिक इन नेचर। ऑर्गेनिक इन नेचर, ऑर्गेनिक इन नेचर हमने क्यों बोला? क्योंकि जब टैनिन का स्ट्रक्चर देखा गया, तब उसके अंदर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनॉल ग्रुप, ये दो ग्रुप्स जो है देखे गए। तो ये दोनों के दोनों ऑर्गेनिक होते हैं, इसीलिए हमने टैनिन को बोला कि वो ऑर्गेनिक है नेचर में। अगर बहुत सारे फिनॉल ग्रुप होंगे, OH ग्रुप्स होंगे, तो उसे बोलेंगे पॉलीफिनॉलिक कंपाउंड। जैसे कि एग्जाम्पल इज गैलिक एसिड। ये हुआ टैनिन की बात। नाउ सेकेंड पॉइंट, टैनिन जो है वो नॉन नाइट्रोजीनस कंपाउंड है। इसका मतलब क्या हुआ? टैनिन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़रूर है, पर उसके अंदर नाइट्रोजन नहीं होता है। थर्ड पॉइंट, जो टैनिन होता है वो सॉल्यूबल है वाटर के अंदर एसीटोन के अंदर एंड जितने भी अल्कोहल, इन सब के अंदर ये सॉल्यूबल होते हैं। पर जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक क्लोरोफॉर्म, इथाइल एसीटेट, इन सब के अंदर टैनिन जो होता है वो इनसॉल्यूबल होता है। नाउ टैनिन इज मेन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट भी होता है। टैनिन जो है वो यूज़ होता है एज मेन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट इन ओक ट्री के अंदर टैनिन मेन कॉन्स्टिट्यूएंट की तरह रिएक्ट करता है या होता है। नाउ ये आप लिख लीजिए, टैनिन जो है, वो कहाँ कहाँ मिलता है? टैनिन हमें न्यू लीव्स के अंदर मिलता है, रॉ फ्रूट्स के अंदर मिलता है, कच्चे फलों के अंदर मिलता है। पर जैसे फ्रूट राइप होने लगता है, पकने लगता है, वैसे ही टैनिन जो है वो रिप्लेस हो जाता है, वो हटने लगता है। तो टैनिन प्रेजेंट होता है न्यूली लीव्स के अंदर, रॉ फ्रूट्स के अंदर, और ओक ट्री के बार्क में प्रेजेंट होता है। ऐसा क्यों होता है कि बार्क में प्रेजेंट होता है? होता क्या है टैनिन के केस में, टैनिन जब ट्री न्यू होता है तब उसके अंदर टैनिन ग्रोथ फेज में होता है तो टैनिन जो है वो एज अ प्रोटेक्टेंट काम करता है फॉर अ ट्री, प्रोटेक्ट करता है ट्री को। बट जैसे जैसे ट्री ओल्ड होता रहता है वैसे ही टैनिन जो है वो मूव करता है डेड पार्ट्स लाइक आउटर कॉर्टेक्स के अंदर चला जाता है, जो हार्ट वुड होता है उनके पास जाकर स्टोर हो जाता है। इसीलिए जो ओक ट्री का बार्क होता है, बार्क इज डेड, इसीलिए यहाँ पर जाकर टैनिन जो है ओक ट्री के अंदर सेटल हो जाता है। ओक, अगर हमें टैनिन की ज़रूरत होती है ना, जैसे लेबोरेटरीज के अंदर जो हमें बोलेंगे एक डब्बे में टैनिन रखा है, हमें इसको केमिकल रिएक्शन हमें प्रोसीड करना है लेबोरेटरी में, तो वो जो टैनिन हमें मिलता है वो क्या करते हैं कि कोक की जो बार्क होती है, कोक की बार्क लेते हैं और उन्हें इन चिप्स फॉर्म में उसको कट कर लेते हैं, तोड़ देते हैं और इसको सुखा कर, ड्राई कर इसको ग्राइंड कर लेते हैं मिक्सी के अंदर या जहाँ पर भी, और इसका पाउडर बना लेते हैं और यही पाउडर हमारे लेबोरेटरी के अंदर प्रेजेंट होता है। टैनिन जो है वो ग्रेप्स होता है ना, ग्रेप्स अंगूर, उनके बीजों में भी प्रेजेंट होता है। सीड वाले ग्रेप्स शायद आपने नहीं देखे होंगे, पर होते हैं सीड वाले ग्रेप्स भी,
उनकी सीड्स के अंदर भी टैनिन जो है वो प्रेजेंट होता है। ये कुछ पॉइंट्स है टैनिन के। नाउ टैनिन जो है, टैनिन का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, मॉलिक्यूलर वेट या वेट कह लीजिए, वो 1000 से 5000 के बीच में होता है। टैनिन का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 1000 से 5000 के बीच में रहता है। टैनिन जो है उसकी कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ आप पढ़ लेते हैं। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, टैनिन की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं कि जो टैनिन होता है वो नॉन क्रिस्टलाइन होता है। नॉन क्रिस्टलाइन, क्रिस्टल्स नहीं होते इसके। टैनिन जो है वो एसिडिक होता है नेचर में। एसिडिक इन नेचर। जो टैनिन का एक्वा सॉल्यूशन होता है, टैनिन का एक्वा सॉल्यूशन एसिडिक होता है नेचर में। कैसे पता लगाती है? टैनिन को वाटर के अंदर डालते हैं। टैनिन को वाटर के अंदर सॉल्यूबल है, सॉल्यूबल हो जाते हैं। पीएच पेपर लेते हैं, ब्लू लिटमस पेपर लेते हैं। ब्लू लिटमस पेपर को डिप करते हैं सॉल्यूशन के अंदर, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ टैनिन के अंदर। हमें दिखता है कि ब्लू लिटमस जो है वो रेड लिटमस में चेंज हो गया है। ब्लू लिटमस रेड लिटमस में चेंज हो गया है। अगर टैनिन जो है वो एसिड है नेचर में, तो उसका सोर टेस्ट होगा। सोर टेस्ट, जिसको हम पक्कड़ टेस्ट भी बोलते हैं। पक्कड़ टेस्ट मतलब कि वेरी सोर टेस्ट, इसको हम ये भी बोलते हैं। नाउ टैनिन के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स ऑफ टैनिन। फर्स्ट एग्जांपल ले लीजिए ग्लूकोगैलीन। ग्लूकोगैलीन जो होता है वो ग्लाइकोसाइडल होता है इन नेचर। ग्लूकोगैलीन इज ग्लाइकोसाइडल इन नेचर। ग्लाइकोसाइडल का मतलब क्या हुआ? ग्लाइकोसाइडल का मतलब हुआ कि एक मॉलिक्यूल होगा शुगर का। ये शुगर जो है एक फंक्शनल ग्रुप के साथ जुड़ा होगा, फंक्शनल ग्रुप। और इन दोनों के बीच में, शुगर और फंक्शनल ग्रुप के बीच में ये जो बॉन्ड है वो होगा ग्लाइकोसाइडल बॉन्ड। अब यहाँ देखते हैं इसमें शुगर क्या है। शुगर इज़ ग्लूको यानी कि ग्लूकोज। ग्लूकोज और शुगर। फंक्शनल ग्रुप इज़ गैलीन। गैलीन यानी कि गैलिक एसिड। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक एसिड है ये एक फंक्शनल ग्रुप। सेकेंड एग्जांपल ले लेते हैं। गैलोटैनिन ये एक गैलोटैनिन का जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं। हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है? वाटर के अंदर जब हम इसे हाइड्रोलाइज करते हैं तो वो टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स में। तो ये किस चीज़ से बना होता है? ये बना होता है शुगर मॉलिक्यूल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है? ये गैलिक एसिड। इनके बीच में एस्टर बॉन्ड होता है। नाउ एग्जांपल्स भी हो गए टैनिन के, अब यूजेस पढ़ लेते हैं। यूजेस, सबसे जो मेन यूज होता है ना, मेन यूज टैनिन का, वो है एस्ट्रिंजेंट। एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी होती है इसकी। एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी का मतलब होता है ये प्रोटीन को, एस्ट्रिंजेंट का मतलब होता है प्रोटीन को कोएगुलेट करता है।
जहाँ पर कट लग जाता है ना, कट स्किन में कट, तो वहाँ से जो ब्लीडिंग होती है, तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए वो प्रोटीन को कोएगुलेट करता है, क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं, एल्ब्यूमिन ग्लोब्यूलिन, तो उनको वो प्रेसिपिटेट करता है, उनको कोएगुलेट करता है ताकि वो फ्लो ना हो सके, कोएगुलेट हो और फिर जो अंदर से जो ब्लड बह रहा है वो भी स्टॉप हो जाए और धीरे 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 हील होता जाए। प्रोटीन को कोएगुलेट करता है, उसके बाद ये स्किन को टाइटन करता है, स्किन को टाइटन करता है ताकि जो कट है वो भरता जाए, एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी इज द मेन प्रॉपर्टी ऑफ टैनिन। नेक्स्ट पॉइंट कि टैनिन जो है वो हेल्पफुल है इन लिकोरिया। क्या होता है? फ्लो ऑफ वाइटिश फ्लूड फ्रॉम फीमेल वजाइना। वजाइना से वाइटिश फ्लूड निकलता है, उसको बोलते हैं लिक्योरिया। ये नॉर्मल भी होता है, नॉर्मल होता है या इन्फेक्शियस फॉर्म भी होती है, बट ज़्यादातर ये नॉर्मल ही होता है, इन्फेक्शियस फॉर्म। इन्फेक्शन के कारण भी लिक्योरिया हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, ये गोनोरोया में भी हेल्पफुल है। गोनोरोया एक सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, जब एक से ज़्यादा सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, तब इसके चांस बढ़ जाते हैं। ये बैक्टीरिया से कॉज होता है, बैक्टीरियल डिजीज़, और बैक्टीरिया भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, नाम है उसका निसेरिया गोनो, निसेरिया गोनोकोकल बैक्टीरिया से हमारा गोनोरोया होता है। इस कंडीशन के अंदर, गोनोरोया के अंदर पेनफुल यूरिनेशन, इसके कुछ सिम्टम्स हैं, पेनफुल यूरिनेशन या पेनफुल सेमिनेशन या इरेगुलर या एबनॉर्मल सेमिनेशन, इरेगुलर सीमन डिस्चार्ज कह सकते हैं हम, ये सारी कंडीशंस होती है गोनोरोया में। तो टैनिन भी इसमें हेल्पफुल है। अगर टैनिन से बनी हुई कोई मेडिसिन हम लेते हैं तो ये गोनोरोया, लिक्योरिया और एस्ट्रिंजेंट का सबसे मेन यूज़ है इसका। सो ये हुए हमारे कुछ यूजेस। टैनिन जो है वो बीटल लीव्स में, पान के अंदर, एकेशिया कटाचू के अंदर प्रेजेंट होता है, एकेशिया कैटोजीज कत्था पान के अंदर यूज़ करते हैं। अगर इसका कॉन्टीन्यूस अगर यूज़ करते हैं, इसको चबाते रहते हैं, तो स्किन कैंसर यानी कि ओरल कैंसर होने की बहुत बड़ी संभावना होती है। ये है टैनिन। नाउ टैनिन जो है जिलेटिन एल्कलॉइड सॉल्ट ऑफ कॉपर लेड टिन पोटेशियम डाइक्रोमेट क्रोमिक एसिड के अंदर जब हम एक्वा सॉल्यूशन ऑफ टैनिन डालेंगे, इन सब के अंदर जब हम एक्वा टैनिन डालेंगे तो टैनिन जो है वो प्रेसिपिटेट बन जाएगा। इस पीपीटी को हम प्रोटीन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, और यही कॉम्प्लेक्स जो होता है वो रेजिस्टेंट होता है अगेंस्ट प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। इसके अगेंस्ट वो रेजिस्टेंट होता है। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम क्या करेगा? प्रोटीन को आगे प्रोसीड करेगा, पर होता क्या, ये रेजिस्टेंट बन जाता है।
अब टैनिन ये रेजिस्टेंट होता है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम से, मतलब प्रोटीन को आगे प्रोसीड नहीं होने देता है, उसे स्टेबल कर देता है, एक जगह पे फिक्स कर देता है, उसको प्रेसिपिटेट करता है, उसको कोएग्यूलेट कर देता है ताकि ब्लड का फ्लो ना हो सके। ये पॉइंट्स हैं। एंड ऑल्सो टैनिन डायरिया में भी यूज़ होता है, टैनिन डायरिया में यूज़ होता है। टैनिन एंटीडोट की तरह यूज़ होता है। एंटीडोट का मतलब होता है काउंटरेक्ट पॉइजन। अगर बॉडी के अंदर पॉइजनिंग हो जाती है तो उसे काउंटरेक्ट करता है, एंटीडोट का मतलब ही होता है। तो ये एंटीडोट की तरह काम आता है, यूज़ आता है इन एल्कलॉइड पॉइजनिंग के अंदर। टैनिन को जब हम आयरन सॉल्ट के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये देता है रेड कलर, कॉम्प्लेक्स। ये रेड कलर कॉम्प्लेक्स इंक की तरह यूज़ होता है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ इंक। इस रेड कलर कॉम्प्लेक्स को हम यूज़ करते हैं इन दी मैन्युफैक्चर ऑफ इंक। डाइंग की तरह यूज़ होता है, डाई में। ऑल्सो प्रिंटिंग फाइबर। टैनिन जो है वो एस्ट्रिंजेंट की तरह तो यूज़ होता ही है, जो कि सबसे मेन इम्पॉर्टेंट यूज़ है इसका, एस्ट्रिंजेंट, ये मत भूलिएगा, एस्ट्रिंजेंट की तरह यूज़ होता है। इन सबसे में पता चलता है कि जो टैनिन है वो वेजिटेबल किंगडम यानी कि प्लांट किंगडम से हमें मिलता है। प्लांट किंगडम से हमें टैनिन ऑब्टेन होता है। सो ये इसके यूजेस हैं। नाउ हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई, केमिकल प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले तो ये कि जो टैनिन है वो कोलोइडल सॉल्यूशन बनाता है। का मतलब हुआ जब दो सॉल्यूशंस को जब हम आपस में मिक्स करते हैं तब एक सॉल्यूशन जो होता है दूसरे सॉल्यूशन के अंदर इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सस्पेंड करते हैं, यानी कि मिक्स नहीं होते हैं। ऐसे ये एक कोलोइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल है। पूरे में यहाँ पर एक सॉल्यूशन है एंड दूसरे सॉल्वेंट के ये मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसके अंदर भी ये ऐसे स्टेबल कोलोइड होते, इसको बोलेंगे स्टेबल कोलोइड। अगर जो एटम्स है, जो मॉलिक्यूल्स है, वो अगर प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसे बोलेंगे स्टेबल कोलोइड। और किन्हीं कोलोइड्स के अंदर एग्लूटेशन हो जाता है, ऐसे करके एक गुच्छा सा बन जाता है, या नीचे में सेडिमेंटेशन हो जाता है उन मॉलिक्यूल्स का, तो उसे बोलते हैं अनस्टेबल कोलोइड। और ये हुए मॉलिक्यूल्स या एटम्स। ये हुआ टैनिन का कोलोइडल सॉल्यूशन की केमिकल प्रॉपर्टी नंबर वन। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि टैनिन को जब फेरिक क्लोराइड के साथ जब हम रिएक्ट कराते हैं टैनिन को, तब ये हमें ग्रीनिश ब्लैक कलर देता है। सबसे अच्छा एग्जांपल अभी मेरे पास है ये डस्टर ग्रीन कलर का था, रब करते करते ये जो ब्लैक, इसके मार्कर का जो ब्लैक निशान है वो आ चुका है, तो ये हुआ ग्रीनिश ब्लैक कलर। एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल मिल गया। थर्ड है कि टैनिन को जब पोटेशियम फेरोसाइनाइट और अमोनिया NH3
NH3 के साथ जब तीनों का रिएक्शन कराएंगे तो ये हमें रेड कलर देता है, रेड कलर। तो ये तीन प्रॉपर्टीज़ हो गई टैनिन की। अब चौथी प्रॉपर्टी देखते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी वो है गोल्ड बीटर प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है कि हम ऑक्स की जो इंटेस्टाइन होती है, बैल की जो इंटेस्टाइन होती है, उसका एक मेम्ब्रेन लेते हैं, इंटेस्टाइन की एक मेम्ब्रेन लेते हैं, छोटा सा टुकड़ा, इसको बोलते हैं गोल्ड बीटर। इसको हम सबसे पहले HCl के अंदर डिप करके रख देते हैं, देन उसके बाद फिर इसको डिस्टिल वाटर से वॉश करते हैं, फिर से इसे हम टैनिन के अंदर रखते हैं, टैनिन के अंदर रखते हैं फॉर 5 मिनट्स, देन फिर से हम इसे डिस्टिल वाटर से वॉश करते हैं, उसके बाद लास्ट में जाके हम इसे फेरस सल्फेट के अंदर रख देते हैं, फेरस सल्फेट FeSO4 के अंदर रख देते हैं, और ये हमें देता है ब्लैक कलर और ब्राउनिश कलर, ये हमें कलर देता है। फोर्थ गोल्ड बीटर हो गया कम्प्लीट। नाउ टैनिन जो है वो जिलेटिन टेस्ट देता है। जिलेटिन टेस्ट पहले भी पढ़ा है कि जब हम टैनिन को जिलेटिन सॉल्यूशन के अंदर डाल देते हैं, जब जिलेटिन सॉल्यूशन के अंदर हम एक्वस टैनिन को डाल देते हैं तो ये प्रेसिपिटेट PPT बन जाती है टैनिन की। ये भी एक केमिकल प्रॉपर्टी है। और इसके अंदर हम सोडियम क्लोराइड भी डालते हैं, NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये जिलेटिन प्रॉपर्टी। नाउ टैनिन जो है वो एक मैच स्टिक टेस्ट भी देता है, यानी कि माचिस की तिल्ली से परफॉर्म किया गया जाने वाला टेस्ट। इसके अंदर क्या कहते हैं, ये एक माचिस की तिल्ली है, इस तिल्ली को हम सबसे पहले प्लांट एक्सट्रैक्ट कैसे बना दिया, जैसे कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था कि जो न्यू लीव्स होती है उनके अंदर बहुत सारा क्रिटानिन प्रेजेंट होता है, उन लीव्स को हम पीसते हैं, फिर उसके अंदर वाटर डिजॉल्व करते हैं, तो ये प्लांट एक्सट्रैक्ट बन जाते हैं। देन इस मैच स्टिक को, पाचस की तिल्ली को, इसके अंदर पहले डिबोते हैं, देन उसके बाद HCl के अंदर हम इसे डिप करते हैं, देन इसके बाद जब हम बर्नर के ऊपर इसको वार्म करते हैं तो फ्लेम आती है और फ्लेम होती है पिंक कलर फ्लेम। तो ये हुआ मैच स्टिक टेस्ट। ये टैनिन देते हैं, अगर हम पिंक कलर देखते हैं तो इट मीन्स टैनिन जो है वो प्रेजेंट है। सो ये हुई सारी की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। तीन टाइप क्लासिफिकेशन ऑफ टैनिन, तीन टाइप्स इसको हम तीन कैटेगरी में जो है इसे क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले हाइड्रोलाइज्ड टैनिन, नेक्स्ट वन इज कंडेंस्ड टैनिन एंड नेक्स्ट वन इज सूडो टैनिन। सूडो मतलब कि फॉल्स। हाइड्रोलाइज टैनिन का एग्जांपल जो कि हमने पहले भी पढ़ा है, गैलो टैनिन। जब हम इसको हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें शुगर मिलता है, शुगर जो है वो एस्टर लिंकेज बनाता है विद कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ये गैलिक एसिड। गैलिक एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज़ है कि जो गैलिक एसिड होता है वो एंटी नेचुरल एंटी ऑक्सीडेंट होता है। ये टी के अंदर प्रेजेंट होता है। टी जो है वो एक नेचुरल आयुर्वेदिक हर्ब है जो कि गैलिक एसिड उसके अंदर प्रेजेंट होता है। सो ये हुआ हाइड्रोलाइज्ड टैनिन की बात, की एग्जांपल इज गैलो टैनिन जो कि शुगर को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करता है। और जो गैलिक एसिड होते हैं ना, गैलिक एसिड वो रूबार्ब के अंदर प्रेजेंट होता है। गैलिक एसिड इज प्रेजेंट इन रूबार्ब, इसके अंदर प्रेजेंट होता है। कंडेंस्ड टैनिन की अगर हम बात करें तो जो कंडेंस्ड टैनिन होता है वो रेजिस्ट करता है हाइड्रोलिसिस को,
मतलब ये टैनिन हाइड्रोलाइज ही नहीं होता है कंडेंस टैनिन के अंदर। इसका एग्जांपल है फ्लेवोनॉइड जो कि कैटेचन के अंदर प्रेजेंट होता है, अकेशिया कैटेचू एंड कैटेचन इन सब के अंदर प्रेजेंट होता है कैटेचन। ये सब एग्जांपल है कंडेंस टैनिन के। सूडोटैनिन के अंदर सूडोटैनिन जैसे कि गैलिक एसिड ही होता है, इसके अंदर सूडो मतलब फॉल्स टैनिन प्रेजेंट होता है। सूडोटैनिन की एक और प्रॉपर्टी है कि जो सूडोटैनिन होता है वो लोअर मॉलिक्यूलर वेट फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं। जो भी फिनोलिक कंपाउंड्स हैं जिनका लो वेट है वो सूडोटैनिन के अंदर आते हैं। एंड दे ऑल्सो डू नॉट शो गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट को भी नहीं देते हैं। ये सारे एंड एग्जाम्पल तो बता दिया कि गैलिक एसिड जो कि रुबार्ब में प्रेजेंट होता है, कैटेचिन भी आता है इसमें, कटाचू एकाशिया कटाचू इफेक्ट वाना भी आता है। सो ये ख़त्म हुआ, थैंक यू सो मच।